हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर सिग्नेचर कॉलोनी ऑक्सीजन के सामने वीआईपी रोड छिंदवाड़ा रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज दांतों के दर्द का इलाज सेरेमिक कैपिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट पायरिया का इलाज इम्प्लांट सुविधा स्माइल डिजाइनिंग दांतों की सड़न का इलाज दांतों की सफाई मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसिस एवं अलाइनर द्वारा इलाज विसर्जन के लिए निकले लालबाग के बादशाह और छिंदवाड़ा के महाराजा भव्य चल समारोह में शामिल हुए हजारों भक्त सौसर को जिला बनाने की मांग को लेकर पूर्व विधायक के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले क्षेत्रवासी बैठक में दावे आपत्तियों पर की गई चर्चा उज्जैन में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किए जाने की घटना पर महिला कांग्रेस ने जताया आक्रोश ज्ञापन सौंपकर दोषियों को सख्त सजा देने की रखी मांग और श्री बड़ी माता मंदिर गप्तू उस्ताद व्यायामशाला ने आयोजित किया विशाल इनामी दंगल पुरुषों के साथ साथ महिला पहलवानों ने भी दिखाए दाव पेच नमस्कार स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल तो अब खबरें विस्तार से शहर के प्रसिद्ध गणेश पंडाल लालबाग के बादशाह का विसर्जन जुलूस पूरी भव्यता के साथ निकाला गया जिसका जगह जगह लोगों ने स्वागत किया लालबाग के बादशाह के विसर्जन जुलूस के लिए स्टार नवयुवक मंडल द्वारा बाहर से कलाकारों को आमंत्रित किया गया था जो कि आकर्षण का केंद्र रहे वही बड़ी संख्या में लालबाग के बादशाह के भक्त इस विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल हुए इस वर्ष भी लालबाग के बादशाह का शानदार विसर्जन जुलूस जो आपके समक्ष दिख रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं शानदार डीजे की व्यवस्था और राजा सिटी ढोल आए हैं जबलपुर से 50 लोग हैं उसमें और जैसा कि आप देख रहे हैं बादशाह जैसे चल रहे हैं और धूमधाम से उनका स्वागत किया जा रहा है थैंक यू वहीं देर शाम गुरैया रोड पर विराजित होने वाले छिंदवाड़ा के महाराजा की विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी मार्ग में जगह जगह लोगों ने छिंदवाड़ा के महाराजा का स्वागत वंदन किया
छिंदवाड़ा के महाराजा के विसर्जन चल समारोह के लिए सीहोर का मातृ शक्तियों का बैंड भी छिंदवाड़ा पहुंचा था, जो इस शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहा। विसर्जन में पप्पा ने एक ऐसा मौका दिया कि कोरोना काल के बाद भी हम लोग आज जीवित है, तो हम इसमें खुशियां मना रहे हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और बहुत सुहाना मौसम है। आप देख सकते हैं पारंपरिक वेशभूषा के साथ आज विसर्जन में जिस तरह से भारतीय संस्कृति को दर्शाया जा रहा है, यह छिंदवाड़ा के महाराजा की विसर्जन शोभा यात्रा में बड़ी तादाद में भक्तों की संख्या शामिल है, जिसमें आप देख सकते हैं छिंदवाड़ा शहर के विभिन्न मार्गों से जो गुजरती हुई ये यात्रा, जिसमें हम देख सकते हैं और भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। सभी को जय श्री गणेश। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश छिंदवाड़ा का महाराजा का विसर्जन शोभा यात्रा का यह 12वां वर्ष है और प्रतिवर्ष हम अद्भुत रूप से भगवान श्री की विदाई करते हैं, और इस वर्ष भगवान श्री के विसर्जन में कांच के रथ पर विराजमान होकर भगवान श्री अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। मातृ शक्तियाँ हमारे एक अलग पहनावे में दिख रही है, साथ ही जो है वो सीहोर का हमारा मातृ शक्तियों का एक अलग से बैंड आया है। ऐसे तमाम तरह की हमारी व्यवस्थाएं हुई है और सभी बढ़ चढ़कर इस शोभा यात्रा में साथ देते हैं और सहयोग करते हैं। बहुत आपने देखा जिस तरह से इस शोभा यात्रा को दर्शकों के बीच एक बहुत ही आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं और भी दृश्य। We'll be right back.
सौसर क्षेत्र वासियों द्वारा सौसर को जिला बनाने की अपील की जा रही है, जिसको लेकर सौसर के विभिन्न संगठनों व आम जनों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व विधायक रामराव महाले के नेतृत्व में सौसर वासियों ने सौसर को जिला बनाने की मांग की और पांडुर्ना के साथ जोड़े जाने को लेकर अपने दावे व आपत्ति पेश की। कलेक्टर मनोज पुष्प ने सौसर वासियों के साथ बैठक कर उनकी बातें सुनी और आगामी कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया। सौंसर जिले में सर सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली फैक्ट्री है, वो विषय आ गए सर, लेकिन मैं थोड़ा सा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ सर, सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली फैक्ट्री है सौंसर मध्य स्थित, मतलब पड़ता है कि यदि मान लीजिए सौंसर जिला बनता है तो पांडुर्ना से भी 45 किलोमीटर लास्ट शोर का आदमी अगर पांडुर्ना जाना चाहता है तो उसको 60 किलोमीटर मतलब जाना पड़ेगा। जैसे कि अभी पांडुर्ना वाले बोलते हैं कि हमको छिंदवाड़ा आने के लिए 100 किलोमीटर आना है, उसी तरह उस आदमी को भी 60 किलोमीटर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर यदि सौसर जिला बनता है तो पांडुना का भी आदमी 40 किलोमीटर चलेगा और वो लास्ट छोर वाला जो सौसर तहसील का आदमी वो भी 40 किलोमीटर चल के आएगा, तो ये सेंटर में पड़ता है। उसके बाद भी सर हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें हजारों मजदूर कार्य करते हैं, यदि उनको किसी जिले में अगर कोई कार्य करने के लिए जाना है तो उसको छुट्टी लेकर तो जाना ही पड़ेगा। साथ ही उसमें आवागमन के साधनों का ऐसा है कि यहाँ पे बस जो चलती है 7 बजे के बाद तो पांडुना में बस भी नहीं मिलती सर। कि दोनों जिलों में सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर किसी एक ही ग्रुप में तो मजदूर के साथ एक ही वेन क्षेत्र में 25,000 मजदूर काम करते साथ पूरी फैक्ट्रिया मिला के उनका निरंतर शोषण किया जा रहा है। वहां पे कलेक्टेड रेट से पेमेंट नहीं मिलता मजदूरों को, आज तक जो भी है आप लोगों को है। तो श्रम कार्यालय सौसर में बनेगा जिससे 25,000 परिवारों का दोहन बंद होगा, उनका शोषण बंद होगा, उनका भ्रष्टाचार बंद होगा। 12-12 घंटे काम करना पड़ता है साहब और पूरी कलेक्टर रेट तक उनको नहीं मिलता, ये वहाँ की वास्तविकता है। उज्जैन में नाबालिग बच्ची के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर जिला महिला कांग्रेस द्वारा प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर दोषियों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की गई। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए दोषी व्यक्ति को सख्त सजा दिए जाने की मांग भी रखी। विगत दिन उज्जैन में एक 12 वर्ष की बेटी के साथ में दुर्व्यवहार हुआ। 8 घंटे वो घूमती रही लेकिन शासन प्रशासन कहाँ गया था, कानून व्यवस्था कहाँ गई थी। और आज हमारी जो बेटियाँ हैं वो आज सरेआम उनके साथ में दुष्कर्म होते जा रहे हैं, आज सरेआम उन्हें निर्वस्त किया जा रहा है, आज अर्धनग्न अवस्था में वो घूमती रही लेकिन कानून व्यवस्था कहाँ गई थी। अगर ये कानून व्यवस्था संभाल नहीं सक रहे हैं तो फौरन अपना इस्तीफा दे दें, वरना और हमारी जो उज्जैन की बेटी के साथ में जो बलात्कार हुआ है, जो दुष्कर्म हुआ है, उसके पापियों को तुरंत सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगा, अन्यथा ये महिला कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन ELC चौक नागपुर रोड छिंदवाड़ा, लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन,
ELC चौक नागपुर रोड छिंदवाड़ा। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपने सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हां, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर रोड चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज IVF पद्धति से, हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं महावारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड चंदन गांव छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लेमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लूरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री गप्तू उस्ताद बड़ी माता व्यायामशाला के तत्वावधान में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विशाल इनामी आम दंगल का आयोजन किया गया। शहर के हृदय स्थल छोटी बाजार स्थित श्री रामलीला रंगमंच पर प्रतिवर्ष गणेश विसर्जन व दशहरा के दूसरे दिन
विशाल इनामी दंगल का आयोजन गप्तू उस्ताद श्री बड़ी माता व्यायामशाला द्वारा किया जाता है, जिसमें छिंदवाड़ा जिला सहित अन्य जिले से भी पहलवान भाग लेकर अपने दाव पेच अजमाते हैं। इस वर्ष के आयोजन के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, शेष राव यादव, रामेश्वर चौरसिया, संतोष सोनी, राजू चरनागर, अरविंद राजपूत, मनोज सेठिया, सीताराम विश्वकर्मा अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और विजेता पहलवानों को पुरस्कृत किया। इस दंगल में महिला पहलवानों ने भी उत्साह से भाग लिया, जिन्हें आयोजन समिति द्वारा पुरस्कृत करते हुए उत्साह वर्धन किया गया। श्री बड़ी माता दंगल प्रभारी सतीश दुबे लाला और कस्तूर चंद जैन ने इस परंपरा को जीवंत रखने और उससे जोड़े रखने के लिए सभी का आभार प्रकट किया। निर्णायक का निर्णय अंजुमान होगा ये समय समाप्त छोड़ दीजिए और उसके साथ ही आमंत्रित करते हैं विक्की पहलवान सारे चुन्नी के साथ ही आमंत्रित करते हैं रोहित पहलवान मैरा सालीवाला और राहुल पहलवान माचेगोरा। 100 रुपए की राशि सभी का मोटर्स वालों की ओर से विजेता पहलवान को। इसके पश्चात हमारा तीसरा चरण भी होगा और तीसरे चरण में कांटे की बड़ी जोर होगी। दुनिया भी अब घर से बाहर आ चुकी है और इस सनातन परंपरा को जीवित रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान आगे बढ़ने वाला है। आज देश की बॉर्डर पे हो, चाहे पायलट हो, चाहे स्कूल के टीचर हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे सेना में हो, हमारे देश की बेटियां हमारे देश का गौरव बढ़ा रही है। हमें वापस उस शिवाजी और शिवाजी की परंपरा और महापिता की परंपरा की माया कर देगी। समस्त पुरस्कार 100 रुपए की राशि हमारे इंडियन कंट्री वाले हमारी दोनों महिला मेहमान बिल्कुल तैयार है। हमारे प्रदर्शन करवाने उठे नहीं बहुत समय से राशि जयराम जैन के द्वारा दूध पीने के लिए इकट्ठा जमीन स्वास्थ्य विभाग से 50 रुपए की राशि हमारे बड़ी माता मंदिर पुलिस के संतोष सोनी के द्वारा उनका करवाने को 10 रुपए की राशि हमारे स्वयं सहयोगी सोनू श्रीवास आपके द्वारा दुर्गा समाज के स्मृति में 10 रुपए की राशि चौकसे कॉलोनी के रहवासियों द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन इको फ्रेंडली तरीके से किया गया। कॉलोनी वासियों ने भगवान गणेश को विदाई देने के लिए बड़े ही सुंदर तरीके से अपने क्षेत्र में व्यवस्था की थी। सभी की उपस्थिति में भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर विसर्जन किया गया। We'll be right back.
28 सितंबर की शाम भाजपा नेता अरविंद राजपूत के निवास सुभद्रांचल में विराजित गणेश प्रतिमा का बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर विसर्जन किया गया। इस विसर्जन शोभा यात्रा में राजपूत परिवार के सभी सदस्यों के साथ मित्रगण शामिल हुए और भगवान गणेश को विदाई दी। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश पटवारी संघ के धरना स्थल पर महिला चिकित्सकों के द्वारा निशुल्क शिविर लगाकर पटवारियों के बीपी शुगर सहित अन्य जांच की गई। हार्ट दिवस मनाया जाता है और आज मतलब यहाँ पे CPR ट्रेनिंग भी दी जा रही है और निशुल्क शिविर लगाया जाए हार्ट दिवस के उपलक्ष्य में। यहाँ पे डॉक्टर राम सेवा दे रहे हैं, डॉक्टर सरक वाले सर, दीपक सर दे रहे हैं, डॉक्टर मीरा पराठकर, डॉक्टर शबाना खान ने निशुल्क सेवाएँ दी आज। नमस्ते। यहाँ 100-150 लोगों का आज चेकअप हुआ है। खबरों में वक्त है पुनः एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले के मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के दो विद्यार्थी शफक अली 94.4%, द्वितीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई के टेंशन हुई खत्म, आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास बालाजी पब्लिक स्कूल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल।
नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। हर भारतीय स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ हर भारतीय विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। हर भारतीय स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, टू बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 acres, खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। शहर के हृदय स्थल छोटी बाजार श्री राम मंदिर हॉल में चैतन्य नव युवक मंडल द्वारा श्री खाटू श्याम जी का दरबार सजाया गया था। साथ ही भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा विराजित की गई थी, जिसके दर्शन कर लोगों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। श्री गणेश, आप सभी नगरवासियों का, सभी शहरवासियों का, सभी गणेश भक्तों का मैं चैतन्य नवयुवक मंडल की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वर्ष यह चैतन्य नवयुवक मंडल का 64वां वर्ष है। इस वर्ष हमारे मंडल में राजस्थान स्थित श्री खाटू श्याम जी की झांकी बनाई हुई है, जो अति अत्यंत सुंदर सुशील है। आप सभी गणेश भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पहुँचकर खाटू श्याम जी के दर्शन करें। ऐसे दर्शन करने का सौभाग्य कई सालों में एक बार प्राप्त होता है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री गणेश। विसर्जन हमारे यहाँ 30 तारीख को किया जाएगा। हमारे यहाँ इस बार आकर्षण का केंद्र है मेरठ से काली जी की झांकी और शिव पार्वती जी की झांकी का आगमन हो रहा है। यह हमारे विसर्जन में आकर्षण का केंद्र है। श्री बड़ी माता मंदिर के पीछे श्री बालाजी सेवा समिति द्वारा विशाल कांच के महल में राजाधिराज गणेश भगवान की आकर्षक प्रतिमा विराजमान की गई थी, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।
श्री बालाजी सेवा समिति का ये सफलतम 41वां वर्ष है और इस समिति में इस बार महिला का गठन हुआ है, जिसमें शहर की 50 से 60 महिलाएं इस समिति में जुड़ी हुई हैं। और आपको बताते हुए ये बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारा विसर्जन जिस तरह हमेशा से विशेष रहता आया है, आपको इस वर्ष भी कुछ अलग देखने मिलेगा। यूपी से आए हुए कलाकार और नागपुर से आए हुए कलाकार द्वारा नृत्य आपको मिलेगा। और इस 30 तारीख को जो चल समारोह रहेगा इस विसर्जन का, उसमें शहर के सभी लोगों से आग्रह है कि वो अपना यहाँ इस समारोह में अपना योगदान दे। और आपसे बस यही विनती है कि समिति को आपकी तरफ से बहुत प्यार मिले। धन्यवाद। मैं बालाजी सेवा समिति से, श्री बालाजी सेवा समिति से वर्षा द्विवेदी। हमारे इस पंडाल में पूरे पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग और विद्युत मंडल का भरपूर सहयोग मिलता है। इसके इन सब के सहयोग से ही हम इतनी बड़ी प्रतिमा स्थापित करते हैं और सभी सामाजिक लोग से जुड़े, पूरे हमारे क्षेत्र के सामाजिक लोग जुड़ के ही हमारा ये बालाजी परिवार बना है। और मैं हमेशा यही आशा करती हूँ कि हमारे साथ हमेशा इतने लोग जुड़े रहें और भविष्य में और भी लोग जुड़ के हमारे साथ पूरा सहयोग करते रहे। धन्यवाद। चार फाटक के पास ब्रिज वाले गणेश जी की स्थापना की जाती है, जो आकर्षण का केंद्र रहती है। समिति के द्वारा इस वर्ष ब्रिज वाले गणेश जी को रुद्राक्ष से निर्मित कराया गया था, जिसका विसर्जन भी पंडाल में ही बड़े भक्ति भाव के साथ किया जाएगा तथा गणेश जी के निर्माण में प्रयोग की गई रुद्राक्ष विसर्जन के उपरांत भक्तों को वितरित की जाएगी। श्री ब्रिज वाले गणपति श्री संतोषी माता मंदिर चार फाटक, इस वर्ष हमारा समिति का यह 10वां वर्ष है और इस वर्ष समिति द्वारा पूर्ण रूप से प्राकृतिक गणेश जी यहाँ पर प्राकृतिक पदार्थों से गणेश जी यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें 11001 असली रुद्राक्षों से भगवान श्री गणेश की मूर्ति प्रथम दिन से ही यहाँ पर लोगों के दर्शन हेतु यहाँ पर रखी गई थी। इस मूर्ति को इसी पंडाल में बनाया गया और आसपास के क्षेत्र में भ्रमण कर आज अनंत चतुर्दशी के दिन यही पंडाल में एक कुंड बनाकर भगवान श्री गणेश का यहाँ पर विसर्जन होगा। प्रत्येक दिन गणेश उत्सव में यहाँ पर भंडारा प्रसाद भी वितरण किया गया और आज भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को यहीं पर विसर्जित करके जो रुद्राक्ष उनमें लगे हुए हैं वह भी भक्तों को प्रसाद स्वरूप यहाँ से बांटा जाएगा और उसके बाद पुनः जो है प्रसाद यहाँ पर वितरित किया जाएगा। गांधीगंज में अनाज व्यापारियों के द्वारा आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए अनाज व्यापारी संघ के सचिव अशोक संचेती ने आम जन से गणेश विसर्जन को लेकर भी अपील की। आज गणेश उत्सव के विसर्जन पर सभी धार्मिक बंधुओं को, सभी समाज के बंधुओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। शांतिपूर्वक जिस हिसाब से आज गणेश विसर्जन हो रहा है, हम ये चाहते हैं कि कोई भी समिति किसी भी तरह की ऐसे डीजे न बजाए जिससे दूसरी जनता को तकलीफ हो। और जो जिस हिसाब से आज हुआ है वैसे ही कल भी वैसा हो, आराम से किसी तरह के अश्लील गाने न बजाए जाए समिति द्वारा। ये बहुत बहुत अच्छी बात है और न बजाया जाना चाहिए। और आज जो गणेश विसर्जन का आखिरी दिन है, कल आखिरी बड़ी बड़ी मूर्तियां उतराई जाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन ने जो जिस हिसाब से सहयोग किया है उसके लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 अक्टूबर को क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के ऊपर गांधी जी छिंदवाड़ा आए थे, उसको लेकर एक गांधीगंज व्यापारी मंडल और श्री अनाज व्यापारी संघ द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसकी जानकारी सभी को दे दी जाएगी। और हम सभी से ये निवेदन करते हैं कि गांधी जी की जयंती पर जब आए सभी लोग आए, व्यापारी बंधु निवेदन की वो कृपया करके लाइब्रेरी पहुंचे। श्री तारण तरण दिगंबर जैन समाज ने पूरे भक्ति भाव से पर्युषण पर्व मनाया। इस दौरान तारण तरण भवन में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियां आयोजित की गई। पर्युषण पर्व में श्री सचिन जी शास्त्री के मंगल प्रवचनों का जैन समाज ने लाभ प्राप्त किया। वही समाज के बच्चों ने आकर्षक झांकियां बनाकर प्रस्तुत की, जिनकी सभी ने सराहना की।
मेरे मन वचन का ऐसे किसी का भी हृदय में ठेस पहुंची है, मेरे बच्चे के लिए मैंने टोका कि भैया बात मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, अगर मैंने भी वह बोला। जय जिनेन्द्र, जय तारण तरण। हम सभी ने, श्री तारण तरण दिगंबर जैन समाज ने, बहुत हर्षोल्लास पूर्वक और भक्तिभाव पूर्वक अपना पर्युषण पर्व मनाया है। साल में एक बार आने वाला यह हमारा, तीन बार आने वाला हमारा यह पर्व, हम साल में एक बार बहुत धूमधाम से, बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। और इस अवसर पर हमारे बीच में भोपाल से पधारे हुए पंडित सचिन जी शास्त्री ने 10 धर्मों का बहुत मार्मिक हमें व्याख्यान में उसे सरल करके समझाया। विविध साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पाठशाला के बच्चों के द्वारा और हमारे अनुसांगिक संगठन श्री तारण तरण नवयुवक मंडल, श्री तारण तरण संस्कृति महिला मंडल, बालिका मंडल, बाल जागृति मंडल, हमारे सभी अनुसांगिक संगठनों ने बहुत भक्तिभावपूर्वक और हर्षोल्लास पूर्वक इस पर्व को हमने मनाया है, आराधना की है, संयम से सात्विक रह करके हमने हमारे इस पर्व को मनाया है। और इस अवसर पर इसी क्रम में बाल जागृति मंडल ने जो 10 दिन विविध धार्मिक झांकी का यहां पर प्रस्तुतिकरण दिया, उसमें जो एक झांकी चलो शिखर जी बहुत ही बेहतरीन झांकी बनाई और 10 दिन बहुत ही आकर्षक झांकी हमारे छोटे समाज के छोटे छोटे बच्चों द्वारा मनाई गई पूरे उत्साह के साथ। जय जिनेन्द्र। गुंजन नायक। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से सभी विश्व के सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अपने शहर के, अपने ज़िले के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भगवान 1008 श्री महावीर भगवान के बताए हुए सिद्धांतों पर, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर सभी को जीने दें और स्वयं भी खुशी पूर्वक जिएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रत्युष जैन, श्री तारण तरण दिगंबर जैन समाज, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में अनंत चौदस के शुभ दिन अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं वितराग विज्ञान पाठशाला द्वारा साहित्यिक कार्यक्रमों के अंतर्गत अक्षय निधि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन दीपक राज जैन, सुमित राज जैन एवं इशित राज जैन ने किया। प्रतियोगिता में 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और विजेता बनकर सुंदर भजन गायन कर सभी का मन जीत लिया, जिन्हें कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर केसी जैन, मुख्य अतिथि डॉक्टर अभिषेक शास्त्री अहमदाबाद एवं पंडित आयुष शास्त्री दिल्ली के हाथों सम्मानित किया गया। पंच प्रभु, आपकी पर्ची में लिखा होगा पंच प्रभु। पुरस्कार श्रीमती मिली जी ने सरप्राइज पुरस्कार जीता है। क्या उसी पुरस्कार की पर्ची? अक्षय निधि का शानदार कार्यक्रम हुआ और जिसको सुंदर में प्रस्तुति दी हमारी आदरणीय उषा किरण जी की सुपुत्र सुमित राज जी, सुदीप राज जी और उनके बेटे इशित ने इतना सुंदर कार्यक्रम किया कि पूरी जैन समाज इस कार्यक्रम को लेकर रोमांचित हो गई। अक्षय निधि में एक से एक भजन और साथ में सुंदर प्रस्तुति ने हमारी जो वितराग विज्ञान पाठशाला की टीम है, ये हमेशा जिन धर्म की प्रभावना के लिए छिंदवाड़ा में ऐसे काम करती है, मैं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन मुंचू मंडल की ओर से आदरणीय वर्षा पाटनी जी, स्नेहा पाटनी जी, आर्या जैन और इशिता जैन, संस्कृति जैन और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ये हमारे बच्चों को संस्कारित करने में अपना जीवन लगा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, हमेशा ऐसा काम करते रहें और जिन शासन का गौरव बढ़ाते रहें, उन्हें इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सफल
अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आपिया डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सेरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। विसर्जन के लिए निकले लालबाग के बादशाह और छिंदवाड़ा के महाराजा, भव्य चल समारोह में शामिल हुए हजारों भक्त। सौसर को जिला बनाने की मांग को लेकर पूर्व विधायक के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले क्षेत्रवासी, बैठक में दावे आपत्तियों पर की गई चर्चा। उज्जैन में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किए जाने की घटना पर महिला कांग्रेस ने जताया आक्रोश, ज्ञापन सौंपकर दोषियों को सख्त सजा देने की रखी मांग। और श्री बड़ी माता मंदिर गप्तू उस्ताद व्यायामशाला ने आयोजित किया विशाल इनामी दंगल, पुरुषों के साथ साथ महिला पहलवानों ने भी दिखाए दाव पेच। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।